Hey guys, and welcome back to the channel. So I'm doing this portrait today. Alright, needles jo use kar rahe hain aaj, that is a 9 magnum. 21 magnum and a 3 RL, and ink setup is like 5 ink cups hain, and 100% 70, 40 and then 20%. So we'll start with the lower part yahan se, and wahi 21 magnum se start karenge. The machine I'm using is a Spectra Zion pen. Initially, सबसे पहले light tone से start करेंगे पूरा का पूरा tattoo. And guys, if you want to support my channel, आप join कर सकते हो. नीचे देखोगे जहाँ पे like का button होता है, वहाँ पे join की भी option है. And you get 2 options to join the channel, और आप चेक कर सकते हो क्या क्या फीचर्स हैं उसके अंदर. बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. सो अभी मैंने 20% में डिप किया है, जस्ट वॉन्ट टू सी कि स्किन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसके बाद मैं चेंज कर सकता हूँ. So this is 20%. I'm just trying to brush, सिर्फ ब्रश करने की कोशिश कर रहा हूँ स्किन को. बिल्कुल भी फिलिंग वाली मूवमेंट नहीं है इसमें. राइट, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो, बट एज सून एज आई विल टेक अ ब्रेक आई विल आंसर यू. हाँ, मैं BKD टैटू स्टूडियो, आई ट्राई टू शो द सेटअप वंस आई टेक अ ब्रेक. जितना भी काम अभी हो रहा है, इट इज 20% ब्लैक के साथ ही कर रहा हूँ मैं. एंड इनिशियल 10 मिनट्स के लिए यू रियली नीड टू सी हाउ द स्किन इज रिस्पॉन्डिंग. सो अभी अगर मैं बोलूँ तो रेडनेस कम है,
और सेटल भी हो रहा है कलर प्रॉपरली, बट यू नेवर नो, जब आप इस एरिया पे करोगे तो स्किन हो सकता है अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करे। और मुझे नहीं लगता कि मैं टी शर्ट में बिल्कुल भी ब्लैक को डालूंगा, बिकॉज हाय सर, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइनिंग या फिर शेडिंग। सो पोर्ट्रेट को करने के कई सारे तरीके होते हैं, आप कितना ज़्यादा रियलिज्म अचीव करना चाहते हो उस हिसाब से आपको लाइनिंग और शेडिंग करनी होती है। आरजे टैटू, इट डजेंट मैटर मैं अभी कौन सी वोल्टेज यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी हैंड स्पीड थोड़ी ज़्यादा फास्ट है। सो जो वोल्टेज होती है वो आपको अपनी हैंड स्पीड के हिसाब से रखनी पड़ती है। एंड गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट द चैनल, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दिस वे हम एक महीने में एक जूम कॉल करेंगे जिसके अंदर हम लोग आपके डाउट्स वगैरह को क्लियर कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप चैनल के मेन पेज पे जा सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसके साथ में ज्वाइन का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक कर सकते हो। तो आप कमेंट करके बता सकते हो आप कौन सी इंक को प्रेफर करते हो, डायनामिक ट्रिपल ब्लैक या फिर डायनामिक ब्लैक, या कोई कोरोसुमी को भी यूज़ करता है, बिकॉज कोरोसुमी भी काफ़ी अच्छी इंक की कंपनी है। राइट नाउ जो नीडल है दैट इज़ अ 21 मैग्नम बकपिन, और अब मैं उसे शिफ्ट कर रहा हूँ, अब मैं 9 मैग्नम पे शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइट एरियाज को करना है ब्लैक से। सो मैंने अपने ब्लैक में डिप किया अभी। और मैं लाइनर का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू डू इट विद द मैग्नम ओनली। जैसे आप कोई हार्ड एजेस नहीं चाहते हो अपने पोर्ट्रेट में, और जितना ज़्यादा आप रियलिस्टिक करना चाहते हो उतना कम आपको लाइनर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लाइनर का यूज़ करोगे तो फिर वो रियलिस्टिक नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभार स्किन टोन के हिसाब से नीड होती है, अगर क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा टैंड है या फिर डार्क है तो लाइनिंग करना इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो होल्ड अप कर पाए इंक।
आई थिंक वी आर डन विद ये वाला ब्लैक पार्ट. अब अंदर की तरफ थोड़ी बहुत शेडिंग करेंगे. सो बिना वॉश करे आई हैव डिप्ड इनसाइड माय लाइट टोन और मैं नेक का एरिया करूँगा इससे. अगर आपको ये ब्लैक लग भी रहा है तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली ब्लैक, दिस इज़ समवॉट डार्क टोन. Now again this is 20% black only और सिर्फ brushing कर रहे हैं. The stencil printer I'm using is a Brother PJ746.
इट्स अ राउंड मैग्नम. नॉर्मल M1 मैं यूज़ नहीं करता हूँ. आई प्रेफर यूजिंग अ राउंड मैग्नम ओनली. Change to the bigger magnum to do this area now. Quadron ki, this is a Quadron ki 21 magnum curve. I'm doing this with 20% gray only. Guys, as I said, you, if you want to join the channel and connect out with me, then you can नीचे लाइक के साथ में एक ज्वाइन की ऑप्शन होती है जहाँ से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो. एंड यू विल गेट अ ऑप्शन टू हैव अ जूम कॉल वंस अ मंथ. So again, this is 20% black.
ऑलराइट नाउ इट्स टाइम, अब हम लिप्स करेंगे थोड़ा सा डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे लिप्स में अब. सो उसके लिए हम शिफ्टिंग टू 9 मैग्नम और वही 20% के साथ हम लोग लिप्स को करेंगे. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो लोअर लिप होती है उसकी लाइनिंग कर देते हैं, जबकि लोअर लिप में कभी भी लाइनिंग नहीं होती है. इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ शेड्स. अपर लिप के अंदर आप फिर भी लाइनिंग कर सकते हो, दैट इज स्टिल फाइन. Dipping inside my 70%. I'm just brushing inside, not filling. Now to do the beard, मैंने 50% में dip किया है and I'm just making small strokes because beard बिल्कुल भी defined नहीं है. Thank you.
नाउ इफ आई वांट आई कैन जस्ट थोड़ा सा लाइनिंग कर सकता हूँ मैं लिप की, वो भी मैं ब्लैक से नहीं करूँगा, दैट आई विल डू इट विद. सो एज यू कैन सी अब जाके आई एम ओपनिंग माई लाइनर नीडल. अभी तक हमने लाइनर नीडल का यूज़ नहीं किया था. सो आई जस्ट डू अ बिट ऑफ बियर्ड लाइनर के साथ. नहीं चल गई गेम. अच्छा सही है. बैटमैन थोड़ी सी वो है, स्लो है गेम. सो आई एम जस्ट डूइंग स्मॉल डॉट्स और स्लैशेस टू डिफाइन द बियर्ड एंड jumping on to the lips now. ये मैंने ब्लैक से नहीं किया है, ये मैं 70% से किया मैंने इसको. अब मैंने ब्लैक लिए बिकॉज मेरे को नोस्ट्रिल करने हैं. अगेन 20% में डिप किया है ताकि मैं कॉन्टोर बना पाऊँ फेस का थोड़ा सा. जस्ट डू अ बिट ऑफ आउटलाइन ऑफ द एयर एंड So it is not necessary that you do this thing with the liner. आप इसको shader से भी कर सकते हो.
से बनेंगे, तो वो 20% के बाद इतना हो रहा है। बोलो बोलो। सो हल्का सा कॉन्टोर देंगे। डोंट वरी, पोर्ट्रेट तब तक कंप्लीट या फिर अच्छा नहीं लगता जब तक आप आईज ना कर लो। आईज नोज बहुत इंपॉर्टेंट फेशियल फीचर्स होते हैं जिसके बिना फेस बहुत इनकम्प्लीट लगता है, सो डोंट वरी। अगेन 20% में डिप किया है एंड जस्ट ट्राइंग टू डू अ बिट ऑफ नोज। Again taking 20% and I'll probably take a break in 5 to 10 minutes.
All right, I think I'll take a break. So, for the people who have been asking me ki setup dikhane ke liye, so I'll just show you just a second. The phone and I'll show you. Right, so this is how the tattoo is looking right now, and this is my setup. So all the cartridges, inks and everything. So I'll start again after 10 minutes. Thank you guys, and you can join the channel. नीचे लाइक के साथ में ज्वाइन की ऑप्शन है, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद आपको लाइव जूम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने की ऑप्शन मिलेगी, आपके काम को क्रिटिक किया जा सकता है और बेटर किया जा सकता है. सो चेक आउट द फीचर्स, ज्वाइन करके देखो.